हेलो एवरीवन दिस इज ट्रेडिंग सीक्रेट्स वेलकम टू माय चैनल सो आज का ये जो वीडियो है दिस वीडियो इज़ वेरी स्पेशल एंड दिस वीडियो इज इन फैक्ट एन एनिवर्सरी स्पेशल ऑफ माय जीरो लॉस स्ट्रेटजी जैसा कि मैंने अपनी एक पहले वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि हाउ आई मेड अ जीरो लॉस स्ट्रेटेजी एंड वॉट वॉज माई ट्रेडिंग जर्नी सो उस वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था दैट आई स्टार्ट ट्रेडिंग फ्रॉम ट्वेंटी एंड ट्वेंटी से लेकर जून ट्वेंटी तक आई वॉज Loss making, I was doing losses, and from July onwards, that is first July 22, say I became a profitable trader, and uh, today is uh, uh, July and 24. So it's been two years on this journey that uh, how I have became profitable, and uh, yeah, those. It is in fact a rags to riches kind of thing. Okay? Because I was in complete losses. I was broke that time. Okay? I made huge losses in the market as well. Whatever was my capital to capital uh, my capital. So finally I got my stings back. Then I uh, thoda or more. then I made a zero loss strategy. And with the help of my psychology and with the help of my strategies that I use, so I was able to become profitable. ठीक है एंड फ्रॉम पास टू इयर्स आई एम ऑन अ जर्नी ऑफ दिस प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग एंड आई विल शो यू ऑल दीज थिंग्स मैं आपको अपना वेरीफाइड लिंक भी पी में दूंगा एंड आई विल शो यू लाइव ऑल्सो कि हाउ थिंग्स हैव चेंज फॉर मी एंड इट इज अ वीडियो कि आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि आई एम श्योर यू ऑल मस्ट बी इन दिस एरिया वैन आई वॉज ऑल्सो मेकिंग द लॉसेज इट्स जस्ट दैट यू नीड अ ट्रांजेक्शन जब मैं जून 22 से जुलाई 22 का एक महीने का ट्रांजेक्शन आई विल कंसिडर जून 22 टू वॉज अ ट्रांजेक्शन फेज फॉर मी वेन मैं अपनी लर्निंग्स को कितना ज्यादा उसमें अप्लाई कर पाया एंड देन फाइनली आई बिकेम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट जुलाई 22. टू सो आई बिलीव कि आप सब भी अपना एक ट्रांजेक्शन फेज ढूंढ रहे हैं एज ऑफ नाउ कि जब आप लॉस से प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आएंगे ठीक है so, सो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा एंड मेरा मेन मोटिव इसमें यह डिस्कस करने का है कि मैं आप लोगों को सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि ये इवन आई हैज मेड लॉसेज बिफोर ठीक है सो इट्स नॉट दैट इफ यू आर मेकिंग अ लॉस की स्टॉक मार्केट खत्म है स्टॉक मार्केट में नो वन कैन मेक मनी इट्स नॉट लाइक दैट ठीक है प्लीज अंडरस्टैंड यू हैव टू गिव yourself a time. Do not think yourself as a trader after 5 months or 6 months or a year maybe. Consider yourself a trader after 2 to 3 years at least. theek hai or maybe 5 years. After that only you can think कि आप एक trader बन सकते हैं and yes you can go on a profitable journey. But आप लोग क्या हैं आप लोग अपने आप को time नहीं देना चाहते हैं आप सीखना नहीं चाहते हैं आप लोगों को चाहिए सिर्फ एक strategy zero loss strategy बता दो मैं इसमें पैसा ठोक दूँगा एंड आई जस्ट अर्न लाइक एनीथिंग आई है कि सर हमारे पास इतने करोड़ है दो दो तीन तीन करोड़ है आप बस हमको स्ट्रैटेजी बता दो एंड सो दैट वी कैन स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम डेट टू ऐसा होता तो एफ आई एस डी आई एस एच एन आईस एफ पी आई पी एम एस दुनिया भर के लोग हैं ठीक है ये सारी ये स्ट्रैटेजी पहले से ही बना चुके होते हैं एंड दे वुड है They would have made billions out of it. Okay? So, aisa hai. there is no single strategy. It is my psychology which works for me. I have always said, whosoever comes to me and asks me about my zero loss strategy, I say, it is not a strategy. It is my psychology that works for me. So, you have to work on the psychology first. Till the time you have work psychology, ke upar kaam no strategy in this world is going to work for me.

ठीक है सो डू नॉट रन बिहाइंड अ स्ट्रैटेजी लर्न साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करिए स्टॉक मार्केट को एज अ होल समझने की कोशिश करिए इफ यू थिंक कि आप एक स्ट्रैटेजी पढ़ लेंगे उस एक स्ट्रैटेजी में आप एक्सल कर जाएंगे विदाउट थिंकिंग कि आप स्टॉक मार्केट के बारे में तो कुछ नहीं जानते यू नो नथिंग अबाउट स्टॉक मार्केट यू आर जीरो इन दैट एंड यू थिंक कि आप स्ट्रैटेजी पढ़ेंगे एंड स्ट्रैटेजी से आप सब कुछ कमा लेंगे सो लेट मी टेल यू फ्रेंकली एंड ऑनेस्टली इट इज नॉट पॉसिबल आप अपना पैसा गंवा देंगे लुटा देंगे डुबा देंगे फोकस ऑन लर्निंग फर्स्ट ठीक है डू नॉट रन बिहाइंड स्ट्रैटेजी ठीक है देर इज नो स्ट्रैटेजी सिंगल स्ट्रैटेजी विच कैन हेल्प यू फॉर एवर ओनली थिंग इज लर्निंग यस लर्निंग है आपके पास स्ट्रैटेजी है यस yes. इस लर्निंग को इस स्ट्रैटेजी में कब अप्लाई करना है दैट इज वॉट मैटर्स द मोस्ट अदरवाइज कोई स्ट्रेटी ऐसी नहीं है जो आपको सक्सेसफुल हमेशा मल्टीपल स्ट्रैटीज एंड दिस स्ट्रेटी जो मैं अपनी लर्निंग के साथ अपने पेशेंस के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ जो मेरी अंडरस्टैंडिंग स्टॉक मार्केट है उसको लेकर जब मैं चलाता हूं तब यह स्ट्रैटेजी मेरे लिए जीरो लॉस स्ट्रैटेजी बन जाती है इट कैन बी एनी स्ट्रेटेजी आई यूज अंबर ऑफ स्ट्रैटीज ठीक है जो मैं आप लोगों को अपने जो uh, मेरा वीडियो है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है कि माई ट्रेडिंग जर्नी एंड हाउ आई मेड जीरो लॉस स्ट्रैटेजी आप उसको जाइए उसको देखिए उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि देर आर नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज दैट आई यूज ओके सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ओनली वॉट हैज बीन वॉट आई हैव डन एंड हाउ आई बिकेम प्रॉफिटेबल एंड हाउ इट इज रैक्स टू काइंड ऑफ थिंग ठीक है सो लेट मी जस्ट ओके वी विल गो एंड या मैंने आप लोगों को uh, अपने पुराने वीडियोज में भी बताया है दैट आई आई एम अ ट्रेडर ठीक है आई एम अ ओवरऑल ट्रेडर आई एम एन इन्वेस्टर आल्सो ठीक है आई इन्वेस्ट आल्सो फॉर लॉन्ग टर्म आई एम अ स्विंग इन स्विंग ट्रेडर आल्सो मैं स्विंग ट्रेडिंग भी बहुत ज्यादा करता हूँ माय स्टूडेंट्स आर वेरी वेल अवेयर वाई आई फोकस ऑन स्विंग ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग में मैं, मैं कवर्ड कॉल बहुत ज्यादा करता हूँ अपार्ट फ्रॉम दैट ठीक है दिस इज वन ऑफ द मेजर थिंग इन माई इन माई ट्रेडिंग पार्ट वाई आई डू दैट माई स्टूडेंट्स आर वेरी वेल अवेयर अबाउट दिस थिंग सो दे इट ठीक है

कई लोग होते हैं वो कहते हैं वी आर जस्ट अ इन्वेस्टर वी डोंट डू वी 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 जस्ट बाय द स्टॉक एंड एंड कीप इट इट होल्ड सो आई हैव ऑलवेज सेड कि इफ यू गाइस हैव नॉट सीन माय वीडियो ऑफ ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वॉच दस वीडियो टिल द टाइम आप इस वीडियो को वॉच नहीं करेंगे uh, आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या बोल बोलूं सो फॉर मी देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड वेल्थ एक्युमुलेशन वेल्थ एक्युमुलेशन और वेल्थ

इंट्राडे, एवरी डे आई एम ऑगमेंटिंग आई एम इंक्रीजिंग टू माई वेल्थ आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू माई वेल्थ समथिंग हंड्रेड रुपीज लेट इट बी थाउजेंड रुपीज वीब्यूटिंग इट टू माई वेल्थ सो दीज आर दू कंसेंग ट्रेडिंग एंड एफ एन ओ ये जो है ये हेल्प करते हैं मेरा वेल्थ ऑगमेंटेशन में एंड वेल्थ एक्मुलेन इज आई एम डूइंग थ्रो बींग एन इन्वेस्टर आप एक चीज को कभी भी लेकर नहीं चल सकते जब तक आप इन दोनों को एक साथ क्लब नहीं कर पाएंगे यू विल नॉट बी एबल टू मेक बिक ठीक है आगे इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा हाउ आई वॉज एबल टू मेक बिक ठीक है विथ दिस माई कंसेप्ट सो आई वु स्टिल से अगर आपने मेरा ट्रेडिंग वर्सेज इन्वेस्टिंग का वीडियो नहीं देखा है यू प्लीज गो एंड वॉच दीडियो इनफैक्ट प्लीज वॉच माई ऑल वीडियोज बिकॉज एवरी वीडियो इज है कुछ ना कुछ देर इज अज लर्निंग हिडन इन दैट ठीक है एंड अगर आप देख लेंगे इट इज गोइंग टू बेनिफिट यू ओनली नॉट मी ओके सो विल स्टार्ट विद दिस ठीक है इन आई स्टार्ट ट्रेडिंग फ्रॉम फ्रॉम ट्वेंटी किया था इनफैक्ट फैक्ट करीब दस या पंद्रह फरवरी के आसपास से मैंने छोटा मोटा स्टार्ट किया था सो आई विल बी टेकिंग फ्रॉम फेब ट्वेंटी वन ठीक है सो इन दिस फेब ट्वेंटी वन टिल ट्वेंटी सेवंथ जुलाई आई विल बी शोइंग यू इक्विटी ठीक है इक्विटी में आई हैव मेड नियरली अबाउट 57 lakh rupees in this two years okay apart from that there is still a huge profit is uh, going on as of now okay so we'll not go to that for now so i have got uh, nearly about 57 lakh rupees okay i will write it here somewhere 57 i have made in uh, my swing trading covered call and uh, in this equity segment देर आर मनी थिंग्स आर इनवोड विच इज स्विंग ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग इसके अंदर घुसा हुआ एंड देर आर ह्यूज कवर्ड कॉल्स आई टेक एंड कवर्ड कॉल्स में मैं काफी ज्यादा प्रॉफिट अपना इक्विटी की साइड कन्वर्ट कर देता हूँ फ्रॉम एफ एन ओ प्रॉफिट बिकॉज आई टेन टू बुक इन एफ एन ओ एंड इसका लॉस uh, होता है दैट इज कन्वर्टेड इन टू द हाईर प्रोफिट इन कवर्ड कॉल्स इन इक्विटी सो दिस इज बीन काउंटेड इन इक्विटी एज वेल सो देर इज अंटायर कंसेप्ट ऑफ दैट ठीक है दैट इज इन एडवांस स्टडीज विच कम्स ऑन सो दिस इज दिच आई है from equity okay so now let's go to the fno section fno section mein, like i said ki i was uh, uh i was making losses till uh, 22 so i'll just show you what i have been doing this is 31st may i'll show you till 31st may there is a reason behind it why i'm showing it to uh, to you till 31st may this is my fno and this is how my fno looks like ऐसा all red, all red. कोई महीना रहा होगा जिसमें मैं कुछ प्रॉफिट बुक कर पाता था एफ एन ओ में ड्यूरिंग दिस पीरियड आई मेड नियरली अबाउट थ्री पॉइंट लॉस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ठीक है उसके बाद आई गॉट अ ट्रांजिशनिंग फेज मेरे को थोड़ा ट्रांजिशन मिला ठीक है एज शो यू एंड माई ट्रांजेक्शन फेज वॉज जून मंथ विच वॉज जून ट्वेंटी टू so from 1st june 22 to uh, 30th june 22 was a transitioning phase okay so you see this this is what had happened i was continuously making losses okay now you will see the june month i do from 1st feb only okay in the last you will be seeing the june month so let's see this is from 1st feb 21 to 30th june see this this is my june month this june month is entirely different from whatever i have made जून में मेरे को थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी दिखी आई मेक आउटिटेबल हो गया बट आई कुड मेक आउट कीज हाउ आई कैन बी अ प्रॉफिटेबल इफ आई गो कंसिस्टेंटली एंड मैं अच्छे से चीजें समझने लगा था इस मंथ में एंड दिस वॉज दंथ विच आई कॉल इट एज अ ट्रांजिशनल ट्रांजिशन मंथ ठीक है जिसने मेरी ट्रेडिंग uh, जर्नी को पूरा चेंज कर दिया मेरी अंडरस्टैंडिंग इस मंथ में बहुत ज्यादा बढ़ी थी मैं बहुत ज्यादा पढ़ रहा था स्टडीज कर रहा था इफ यू सी मैंने काफी महीने से दिसंबर से एफएनओ एफएनओ बहुत छोड़े हुए थे ठीक है सो दिस वाज द पीरियड व्हेन आई वाज लर्निंग द मोस्ट ठीक है प्रीमियम ग्रुप थे एक दो उसमें लॉस हो जाता था फिर मैं छोड़ देता था फिर एफ से तोबा कर लेता था कि भाई एफ करना ही नहीं है बट फिर भी कभी कभी, -कभी लर्निंग के हिसाब से कोशिश करता था कि कुछ करूं अगेन लॉस हो जाता था फिर पूरे महीने के लिए छोड़ देता था सो दिस एंटायर मंथ वॉज एफ लर्निंग एंटायरली इन जून मंथ आई स्टार्टेड ट्रेडिंग कंटिन्यूअसली वॉट एवर आई लर्न ठीक है इससे पहले मैं वर्चुअल ट्रेड करता था एक आध बार ट्रेड करता था ऑरिजिनल में तो लॉस होता था तो मैं छोड़ देता था पूरे महीने के लिए जून के महीने में मैंने पूरा कोशिश करा कि जो भी मैंने सीखा है वो मैंने अप्लाई करने की कोशिश करी एंड जून के महीने में मुझको थोड़ा बहुत सक्सेस मिला मुझे लॉस हुआ बट मेरा लॉस केवल सेवन थाउजेंड था सेवन या एट थाउजेंड के आसपास मेरा लॉस था बट वो मेरा लॉस था किसी और की टिप्स पर वो लॉस नहीं था एंड इस लॉस में मैं ज्यादा खुश था बिकॉज काफी दिन मैंने इसमें प्रॉफिट भी कमाया था ठीक है सो दिस वॉज अ ट्रांजिशन मंथ फॉर मी ये मेरे लिए ट्रांजिशनल फेज था सो आई न्यू की नाउ दैट मैं थोड़ा सीख गया हूं तो अब आई एम श्योर कि मैं नेक्स्ट मंथ से और अच्छा कर पाऊंगा सो फ्रॉम जून फ्रॉम फर्स्ट जुलाई ट्वेंटी टू आई बिकेम अ लिटिल बिट आई स्टार्टेड एंड देन फाइनली माई जर्नी एंड फ्रॉम माई दिस थिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू

देखा मेरा जो लॉस मेकिंग रेड जून मंथ में मेरा थोड़ा बहुत ग्रीन uh, हुआ आई केम टू दिस लेवल विच इज मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रीन इसमें आप लोगों को रेड थोड़े ज्यादा दिख रहे होंगे इसका रीजन ये है कि ये जो रेड है दिस इज बिकॉज ऑफ द चार्जेस देर आर फ्यू डेज जहां पर मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है Uh, कोई प्रॉफिट बुक नहीं किया है बट ट्रेड लिया है इसलिए वो थोड़ा रेड दिखा देता है ठीक है जून और जुलाई uh, में जुलाई में और जून में बिकॉज मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल था थोड़ा सा प्रॉफिट वगैरह था uh, थोड़ा सा लॉस वगैरह हुआ था सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ये uh, इसका वेरीफाइड पी भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ठीक है सो बिफोर आई गो टू दैट आई विल जस्ट समराइज फ्यू थिंग्स ऑफ दिस अकाउंट दैट फ्रॉम माइनस थ्री लाख रुपीज

एक और अकाउंट बिकॉज मेन अकाउंट में मेरे से बहुत सारी गलतियां हुई थी इन्वेस्टिंग टाइम पे, स्विंग ट्रेडिंग के टाइम पे, so I thought कि मैं न्यू अकाउंट अकाउंट बनाऊंगा, इस में मैं कोई गलती नहीं करूंगा, फ्रॉम पास्ट इट्स नॉट बीन टू ईयर्सो ठीक है so so इसमें uh, इस अभी भी डेढ़ साल के आसपास है सो ऑलरेडी मेड फोर्टी Uh, in equity part of it and uh, let's see in future and option from same period for this uh, one and a half period i have made nearly about 23 lakhs 23 lakhs gas pass i have made okay so overall this is uh, 65 lakh i have made in this okay सो दिस इज ऑल्सो द सेम थिंग इसमें आपको ज्यादा अच्छे ग्रीन दिख जाएंगे बिकॉज इसमें कई बार मैं प्रॉफिट भी बुक कर लेता हूँ एंड ऑल दिस थिंग्स दे आर फ्यू कॉलम्स जहां पर आई हैव नॉट टेकन द आई हैव नॉट बुक द प्रॉफिट लेकिन वहां पर मैंने ट्रेड लिया है तो इसलिए वहां पर आपको रेड दिखेगा दिस इज ऑल् दिस इज ऑल्सो वन ऑफ डेज जून में आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी बिकॉज मार्केट बहुत बुरी तरह गिरा मार्केट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हुआ था तो आई वाज नॉट हैपी इन जून मंथ सो जून के महीने में मैंने काफी डेज पे ट्रेड नहीं लिया था आई लेफ्ट इन जून एंड इन जुलाई आल्सो फ्रॉम पास्ट वन और टू वीक्स आई एम नॉट इन लाइव मार्केट आई वाज बिजी सम सो जून एंड जुलाई वॉज नॉट गुड मंथस फॉर मी ठीक है जून में इन फैक्ट आई है लॉस बट इन जुलाई आई हैदर अकाउंट ऑल्सो आई है जून एंड जुलाई ओवरऑल वाज़ नॉट अ गुड मंथ फॉर मी एज ऑफ नो बट आई मैं अगस्त के महीने से आई विल बी कंटिन्यूइंग माय गुड ट्रेंड व्हिच हैव बीन लाइक दिस फॉर शोर ठीक है बिकॉज अभी स्टेबिलिटी uh, आ गई है मार्केट में वोलेटिलिटी uh, थोड़ी कम हो गई है सो थिंग्स आर चेंजिंग एज ऑफ नो Okay, so this is the amount that I have made, and apart from that, equity, so there are a number of profits uh, as well, which are uh, long term investing. So, in this, I have made nearly about 65 lakh, and in my previous account, I have made nearly about 1.1 crores. So, overall, if you ask me, to 1.1 cr plus 65 lakh, so I have made nearly about 1.75 crores of profit I have made in my two accounts, and this is the profit which has already been booked so there is uh, another more profit which has not been booked as of now so i could easily say that yes uh, from minus 3 lakh of loss i have made almost 2 crores in 2 years which is much more than the 100% of what i i started my capital to invest ठीक है so, सो इससे मैं आप लोगों को वापस अपने उसी कंसेप्ट पर ले जाता हूँ ठीक है सो दिस इज माई रैग्स टू रिचेज स्टोरी माई रैग्स वॉज माइनस थ्री लाख विच द लॉस आई हैड मेड एंड नाउ आई एम स्टैंडिंग एट अ ऑलमोस्ट ऑफ मोर देन द प्रॉफिट ऑफ टू करोड सो दिस इज हाउ माई रैग्स टू रिचे स्टोरी इज ठीक है सो दिस इज टू टेल यू आप सबको ये बताने के लिए है कि सर आप सब लॉस में हैं काफी सारे लोग लॉस में होंगे आई एम श्योर हर कोई लॉस में होता है ठीक है सो जो भी आज की डेट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर है एवरीबडी वुड हैव बीन इन द लॉस ठीक है सब जाते हैं सो so, अगर आप लॉस में हैं आज की डेट में सो प्लीज डू नॉट गेट डिसहार्टेंड आप दुखी मत होइए इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ इट इज अ इट इज अ फेज विच विल पास विच विल इवेंचुअली पास द ओनली थिंग इज जब कभी भी सामने से स्टॉम आता है तूफान आता है तो एवरीबडी uh, सब डर जाते हैं ठीक है तूफान में फंसते हैं तो और डर जाते हैं बट इवेंचुअली स्टॉम विल पास ठीक है एंड जो स्टॉम के थ्रू होकर गुजर जाता है सो दैट इज द विन दैट यू विल हैव टू टेक ठीक है सो टेक योर टाइम लाइक आई सेट इन स्टार्टिंग ओनली दैट थिंक योर सेल्फ ट्रेडर ओनली आफ्टर टू थ्री ईयर्स ठीक है दिस इज वॉट आई हैव लर्न मैं अगर फैप ट्वेंटी वन में स्टार्ट किया था मैंने स्टार्ट किया था अपनी पहली ट्रेड कैनरा बैंक की ली थी जिसमें मैंने कॉल बाय किया था एंड मुझे अच्छा प्रॉफिट हो गया था दिस थिंग आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन माई प्रीवियस वीडियो सो थिंग इज उस टाइम पर जब मैंने स्टार्ट किया था आई वॉज थिंकिंग यार मैं तो बढ़िया प्रॉफिट बना सकता हूं पहले ही दिन मुझे प्रॉफिट हो गया नेक्स्ट डे मुझे निफ्टी फ्यूचर में ही प्रॉफिट हो गया तो मैं तो बढ़िया जा रहा हूं वो प्रॉफिट कब लॉस में कन्वर्ट हुआ कब मेरा कैपिटल घुसना स्टार्ट हुआ मुझे पता ही नहीं चला आई इवेंचुअली रियलाइज जब मेरा तीन पॉइंट थ्री पॉइंट सिक्स लाख का लॉस हो गया एक साल में लॉस हो गया तब मैंने सोचा फिर उसके बाद वेन आई बिकेम प्रॉफिटेबल ट्रेडर तब आई थॉट कि यार ये जो एक साल में मैंने लॉस किया दो इट वॉज फीस जो मैंने मार्केट को दी आई कंसिडर इट दैट वे बट अगर यही लर्निंग फीस मैं वर्चुअल ट्रेड में कर लेता तो क्या जाता मेरा सेंसिबल के ऊपर एक वर्चुअल ट्रेडिंग का ऐप होता है आप अगर लाइव में मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहते तो आप इसमें वर्चुअल में जा, जाके ट्रेड कर सकते हैं प्रॉब्लम <laughs> इज लोग सीखना नहीं चाहते नो बडी वॉन्ट्स टू लर्न एवरीबडी वॉन्ट्स टू

आप नौकरी के इसके पीछे मत भागो रन बिहाइंड एक्सीलेंस ठीक है नौकरी या लोग आपके पीछे झक मार के आएंगे सेम थिंग इज एप्ला वहां पर जब उसने समझाया तो सबको समझ आ गया एवरीबडी वॉज सिंग रन बिहाइंड एक्सीलेंस रन बिहाइंड एक्सिलेंस तब तो सबको समझ में आ गया ठीक है एंड जब हम uh, मैं होकर खाया हुआ आदमी आपको समझा रहा हूं लर्न लर्निंग इज दी ओनली थिंग विच कैन मेक यू सस्टेन इन मार्केट रन बिहाइंड लर्निंग अर्निंग झक मार के पीछे आएगी प्रॉफिट्स झक मार के पीछे आएगी बट अगर आप लर्निंग ही नहीं करोगे तो ये आ कहां से जाएंगे जिसने लर्निंग की हुई है वो आप जो ये पुट बाय और कॉल बाय में आप चले गए हो ना जिसने लर्निंग की हुई है वो ये सारा आपका प्रॉफिट वो खा जाएगा तो आप चीज बताइए मैं साढ़े तीन लाख का लॉस करके बैठा था मेरे पास लर्निंग्स नहीं थी ठीक है मेरे पास प्रॉफिट भी नहीं था लेकिन जब मेरे पास लर्निंग्स आई तो आई टर्न दिस माइनस थ्री लाख टू टू करोड़ टूडे जो कि मैंने अभी आपको लाइव में दिखाया नो वन कैन डिनाई इट ठीक है जितने भी समझदार लोग हैं जिनको लाइव पी एन एल देखना आता है थिंग्स देखना आता है नो वन कैन डिनाई इट यस जो फेक लोग हैं जिनको सिर्फ ये बोलना है कि अरे ये तो फेक है ये तो हो ही नहीं सकता तो कि वो खुद ही फेक लोग हैं सो आई एम नॉट वरीड अबाउट दोज पीपल सो मेरा इतना सारा लॉस था इफ आई कुड कन्वर्ट दैट इन माई टू करोड़ ऑफ प्रॉफिट दैट इज थ्रू लर्निंग ओनली एंड ये जो सर टू करोड़ का प्रॉफिट है ये मार्केट में कहीं और से नहीं आया ये किसी का लॉस है जो मेरे को प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ है ठीक है ये प्रॉफिट में तभी कन्वर्ट हुआ जब मैंने लर्निंग के ऊपर फोकस करा लर्निंग 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 आई स्पेंट डेज एंड नाइट आई स्पेंट आवर्स इन एफ आवर्स ऑन चार्ट पैटर्न अंडरस्टैंडिंग हर स्ट्रेटजी टेक्निक एवरीथिंग आई हैव लर्न हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड द मार्केट रीडिंग्स इनॉर्मस रीडिंग्स ठीक है अगर इतनी आवर्स ऑफ रीडिंग अंडरस्टैंडिंग के बाद मैं मार्केट में आया एज ट्रेडिंग सीक्रेट्स एंड एक और बंदा आया जिसको लगा कि मैं 50000 की पुट बाय करूंगा एंड मार्केट जीत लूंगा इसको मैंने पुट बेच दी इसने अपना बेचारे ने लॉस कर लिया एंड वो प्रॉफिट मैंने ले लिया बिकॉज़ मेरे पास अर्निंग्स थी लर्निंग्स थी आई वॉज वेल इक्विप्ड विद माई फंडामेंटल्स पेशेंस लर्निंग्स जो इतने साल की मैंने लर्निंग्स करी हैं और ऐसे न जाने कितने 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 लोग जो बिना लर्निंग करें मार्केट में आए हैं उनका प्रॉफिट हैज कम टू मी ठीक है इट इज अड थिंग दैट पीपल आर मेकिंग लॉसेस सो फ्रॉम पास वन ईयर आई हैल एवरी वन की प्लीज डू नॉट रश टूवर्ड्स द मार्केट इट इज अ वॉल इट इज अज वॉल डू नॉट बैंग योर हैड अगेंस्ट इट है। इसमें एक छोटा सा दरवाजा है वो दरवाजे से आप तभी पास हो सकते हैं जब आपके पास लर्निंग हो आप उस प्रॉफिटेबिलिटी की दुनिया में उस दीवार के थ्रू तभी जा सकते हैं जब आपके पास लर्निंग हो आपके पास लर्निंग नहीं है आप स्ट्रैटेजी लेके बैठे हैं आप कह रहे हैं भाई स्ट्रैटेजी दी ओनली थिंग स्ट्रैटीज कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड वॉट इज हैपनिंग आप सिर्फ स्ट्रैटेजी के पीछे गए आप नहीं समझ पाएंगे Yes, अगर आप स्ट्रैटेजी के पीछे कंसेप्ट को समझें आई है काफी लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि सर विद्प ऑफ योर स्ट्रैटेजी वी हैव बिकम प्रोफिटेबल मैं इतने महीने से लॉस कर रहा था नाव आई saying, कि सर वो स्ट्रैटेजी हमेशा अप्लाई नहीं होती जाहिर सी बात है देर इज नो स्ट्रैटेजी विच कैन बी अप्लाइड यूनिवर्सली इन द मार्केट नेवर नेवर मार्केटर नेवर बट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट द मोमेंट यू अंडरस्टैंड द यू विल नो हाउ टू ट्विक द स्ट्रैटी द डे यू अंडरस्टैंड हाउ टू ट्विक द लर्निंग्स विल टेक यू टुवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड पीपल आर फेलिंग टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट एंड आई एम टेलिंग यू अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो आपको एक बहुत अच्छी लर्निंग मिली है एंड देर आर मेनी पीपल जो पूरा वीडियो देखेंगे और कहेंगे इसमें स्ट्रैटेजी तो है ही नहीं वी हैव वेस्टेड अवर टाइम सो इट मीन्स दे आर नॉट रेडी टू लर्न दे विल नेवर लर्न ट्रस्ट मी वो अपना लॉस करते जाएंगे करते जाएंगे मार्केट को गाली देंगे यूट्यूबर्स को गाली देंगे एंड चले जाएंगे विदाउट नोइंग दैट देर आर सर्टन यूट्यूबर्स हुए वॉन्ट टू हेल्प यू ठीक है बाय टेलिंग यू डू नॉट रन बिहाइंड स्ट्रेटजी विल नेवर नेवर वर्क विल नेवर गोइंग टू वर्क फॉर यू इन एवरी टाइप ऑफ मार्केट बिकॉज मार्केट इज नॉट लाइक दिस अ सिंगल लाइन इट इज नॉट लाइक दिस कि मैं बढ़ता जा रहा हूं बढ़ता जा रहा हूं बढ़ता जा रहा हूं रोज पॉइंट वन परसेंट रोज पॉइंट टू परसेंट बढ़ता जा रहा हूं बढ़ता जा रहा हूं ऐसे मार्केट में स्ट्रैटी काम करेगी मार्केट इज लाइक दिस फिर वापस यहां आ जाएगा सो मार्केट इज अ टर्मोइल market is chaos okay so my strategy chaos man, can't do it. okay it's just that you have to tweak your strategies every time when you see a chaos coming up whenever you see a storm coming up you need not to go towards the eye of the storm you need to reroute yourself you need to change your strategy to to let either the storm pass or go from the other side of the storm दीज आर द टू थिंग्स दैट यू कैन डू एक ही स्ट्रैटेजी से स्टॉम की आई में घुस जाओगे ना तो खत्म हो जाओगे चाहे वो स्ट्रैटेजी कोई भी हो ठीक है सो अंडरस्टैंड लर्न द कंसेप्ट लर्निंग ओनली थिंग विच कैन मेक यू मेक यूर स्टैंड इन द मार्केट एंड आई एम अइव एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू ठीक है इट्स नॉट दैट आई एम शोइंग यू माई प्रॉफिट जस्ट टू टेल यू हाउ मच आई एम नो इट्स नॉट द मैटर यू मस्ट है काफी ज्यादा मैं एक्टिव नहीं रहता हूँ ठीक है सो देर इज अ रीजन बिहाइंड इट बिकॉज आई डू नॉट वॉन्ट टू बिकम अ यूट्यूबर आई एम अ ट्रेडर मैं एक ट्रेडर हूं आई फोकस ऑन माई ओन वेल्थ एक्यूमुलेशन एंड माई वेल्थ ऑगमेंटेशन मेरा सारा टाइम इसी के ऊपर जाता है, है। बताऊं देखो मेरा एक ये स्टॉक है स्विंग स्टॉक इससे मैंने दस लाख कमा लिए इससे मैंने बीस लाख कमा लिया आई नेवर डू दैट अदरवाइज यू मस्ट सीन माई प्रॉफिट मेरा इतना है कि मैं हर रोज हर रोज नहीं तो हर हफ्ते में दो या तीन वीडियो तो बना सकता हूँ ठीक है एंड आई कैन मेक i can engage the audience as well that is that is much uh, worth i am having right now but i am not a youtuber i am a trader i don't have time for all these things i invest my time for my wealth augmentation and wealth accumulation i do research i do studies i see myself a good trader a learned trader a great trader even today after minimum six years after minimum five to six years मैं पांच से छह साल अपने आप को देना चाहता हूं और इवन आफ्टर कमिंग एट दिस स्टेज मैं अभी भी अपने आप को कंसीडर करता हूं कि आई एम नॉट अ फुल फ्लेजेड ट्रेडर टिल द टाइम आई डू नॉट स्पेंड मोर फाइव टू सिक्स ईयर आई मे नॉट आई विल नॉट बिकम अ फुल फ्लेजेड ट्रेडर मैं बहुत बड़ा ट्रेडर जिसका नाम होगा शायद वो ना बन पाऊं सो आई एम गिविंग माई सेल्फ टाइम पांच छह साल तक मैं और अपने आप को देना चाहता हूं ताकि मैं और कुछ करूं ठीक है सो दैट इज वाई आई रिसर्च आई स्टडी I learn, I read. So that is why I am not a YouTuber. ठीक है people are YouTuber जो आपको free में बता देंगे ये buy कर लो ये यहाँ जाने वाला है ये कर लो ये यहाँ जाने वाला है none of this is going to help you learn ठीक है and the problem is people do not want to learn i have made many uh, many videos i do not know how many of you have seen my it video if anybody would have seen this it video he would have already pocketed nearly about 50 to 20% of profit within a month and if you have not seen this video i will show you after 3 years this is my open challenge this is my challenge to you i will show you after 3 years that what you have missed

एक साल तक सिर्फ एक साल तक जो सीखा है ना उसको वर्चुअल ट्रेड पे करो पैसा मत लगाओ प्लीज मत लगाओ अगर पैसे से प्यार है तो मत लगाओ अगर नहीं है तो बर्बाद करो फॉर ऑल फॉर ऑल यू कैन डू एक साल तक सिर्फ वर्चुअल ट्रेडिंग करो सेंसिबल पर है वर्चुअल ट्रेड करो ना अर्न मत करो मत करो नहीं कर पाओगे ट्रस्ट मी नहीं कर पाओगे अगर नए आए मार्केट में नहीं कर पाओगे मैं इतने आ, साल स्पेंड कर लिया है एंड आई एम एबल टू मेक Huge amount of money for now. So, I am telling you with some experience. You won't be able to do it. To do it, you have to first do it in virtual trade. Gain your confidence. If you lose, then confidence will And this is the only thing which will let you sail through the storm of stock market. Remember this thing. पहले साल में आए हो सोच रहे हो कमा लोगे नहीं कर पाओगे आई एम टेलिंग यू नहीं कर पाओगे एक्सेप्ट कर लो इसमें कोई बुराई नहीं है अपने आप को बोल दो फर्स्ट ईयर है मैं नहीं कमा पाऊंगा आई विल नॉट बी एबल टू अर्न सो लेट मी गो टू वर्चुअल ट्रेड लेट मी लर्न प्रॉपरली इनस्टेड ऑफ लर्निंग फ्रॉम रियल मनी मत लो ना उस टाइम पर हमारे पे इतना वर्चुअल ट्रेड वगैरह नहीं था सेंसिबुल में वर्चुअल ट्रेड और बाकी चीजों में हमें पता नहीं था हमें किसी ने सिखाया नहीं कि भैया वर्चुअल ट्रेड भी होता है उसमें तुम कर सकते हो हमें तो जल्दी थी हम तो रुपए देते थे प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर रखा था उसमें पैसा कमाते थे पांच हजार वाले में जब दस बीस हजार का लॉस हो गया तो हमने कहा हम और कमाएंगे फिर हम बीस हजार वाला प्रीमियम ग्रुप लेने लगे एक महीने का ठीक है किसी आ, फेक एडवाइजरी से बाय द वे दैट वॉज रजिस्टर्ड एडवाइजर ठीक है जिससे मैं लेता था प्रीमियम ग्रुप आई मेड एक महीने में नाइनटी थाउजेंड का प्रॉफिट आई वॉज वेरी हैप्पी और ये तो मजा आ गया अगले महीने में आई मेड अ लॉस ऑफ पॉइंट नाइन लैक मैंने कहा चलो होता रहता है अगेन आई मेड अ लॉस ऑफ नियरली अबाउट एटी थाउजेंड मैंने कहा so, कि मैं नहीं कर सकता था यार मैं आपको वही चीज बता रहा हूं एक साल तक आप नहीं कर सकते एक्सेप्ट कर लो रियालिटी एक बड़ा भाई बोल रहा है उसके हिसाब से मान लो वर्चुअल ट्रेड कर लो डेट्स इट एक साल वर्चुअल ट्रेड करो अपनी स्ट्रेटजीज अपनी अंडरस्टैंडिंग अपनी लर्निंग वट एवर यू वॉन्ट टू डू Try in trade. और ऐसा नहीं है कि वर्चुअल ट्रेड में एक बीस तो हजार का चालीस हजार लॉस लेके जाओगे मैं गारंटी देता हूं। पर है आप जाके अकाउंट अगर खोलेंगे तो आपको फ्री में भी मिल जाएगा हर जगह ठीक है सो विद की आप लोगों को काफी कुछ समझ में आया होगा वॉट आई एव बीन ट्राइंग टू टेल यू ठीक है एज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर एंड एज अग ब्रदर If you can consider take so understand market is uh there are huge crests and troughs in the market. It is it is a chaos, it is not a single thing which can go easily, and you can ride and climb the mountain. No, you just cannot. Okay. So take your time, understand, learn properly. This is the only way. Learn the concepts. Take Concept some Market, what is market all about? If you are a serious trader, अंडरस्टैंड दैट ठीक है एंड अगर आपने मेरा चैनल uh, नहीं ज्वाइन कराया दिस इज माई चैनल दिस इज माई ट्रेडिंग सीक्रेट्स चैनल इफ यू गैज हैव नॉट ज्वाइंड इट इस चैनल में मैं सारे लेवल्स या सारी चीजें जो जो मुझे पता है आई ट्राई टू टेल एवरी वन की दिस इज वॉट इज गोइंग टू हैपन इन द मार्केट दिस इज वॉट इज हैपनिंग इन द मार्केट आई गिव लेस आई गिव पैटर्न्स ठीक है बट दी ओनली थिंग आई डू नॉट गिव कॉल्स बिकॉज आई एम नॉट असैबी रजिस्टर्ड आई ए एन आर ए आई जस्ट कैनॉट गिव कॉल्स एंड दीज थिंग्स आई कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड इंग द मार्केट बट आई कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर प्रॉफिट और लॉस रिमेंबर दिस थिंग सो दिस इज द थिंग बिकॉज आई हैव सर्टन लिमिटेशन एज वेल सो दैट इज वाई दिस इज वॉट इट इज एंड लाइक एस एट कि मैं आपको अपने वीडियो के एंड में आई एल शो यू माई वेरीफाइड पी एन एल ऑल्सो सो दिस इज माई चैनल एंड दिस इज माई वीडियो ट्रेडिंग सीक्रेट्स एंड दिस इज माई माई ट्रेडिंग जर्नी एंड हाउ आई मेट जीरो लॉस स्ट्रेटेजी प्लीज वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली सो दैट आप लोगों को पता चलेगा कि मैंने क्या क्या मिस्टेक्स करी थी एंड हाउ आई मेड माई सेल्फ अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर हाउ आई became a profitable trader okay so that is the thing and if you want to know the mentorship details this is the contact number you can think of it and apart from that i'll just show you my verified pnl there are two verified pnl for your uh, all information one is my main account and the other one is my secondary account now it is very difficult for me to shift my secondary account to the main account because of uh, complexities involved in in it right now so that is why i am not able to do it and i do not intend to do it right now as well

Okay, so if you, in fact, I do not have any premium group. The only group I am having is the learning group. Okay, learning group. may join. Karna is free of course, and that is why I have given this uh, cautionary note that I have no other Telegram channel except mentioned below this one. Please be cautious of the people using my PNL statement for selling premium group. I do not have any premium group. Let me repeat, I am not a SEBI registered IA and RA, so that is why I do not have any premium group. I cannot charge for any group. Whatever group I have, I have a learning group that is free of course and everybody can join. Okay. So in this account, I have made nearly about 71.5 yeah You can say 72 lakhs. And this is from August 2, 23 till now. So I have made nearly about 72 lakhs. This is my first account. And this is my second account. In this account, I have made nearly about uh, 56 lakhs. Okay. So these are the two accounts which I. Uh, I take, so almost if आई टेक सो ऑलमोस्ट इफ यू आस्को profit hai, 1.76 crore ka jo mera करोड़ जो बुक्ड प्रॉफिट है दैट उसका जो major chunk है वो इस एक साल में आया है ठीक है सो नियरली अबाउट सेवेंटी टू लैक्स एंड फिफ्टी सिक्स लैक्स मेड नियरली अबाउट हाउ मच दिस नियरली अबाउट टू एट करोड़ आई हैव मेड इन दिस past वन ईयर ठीक है दिस इज माई वन ईयर प्रॉफिट एंड दिस इज बाय द वे माई डेली अपडेट वेरीफाइड पीएनएल जिसमें आपको करंट स्ट्रीक मिल जाएगा माई लॉन्गेस्ट स्ट्रीक मिल जाएगा एवरीथिंग यू विल गेट इन दिस ठीक है एंड इट्स पाइट यस आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा जो आपको लाइव में दिखाया था पीएनएल कंसोल में दिस इज माई पी एन एल कंसोल इसमें थोड़े आपको रेड ज्यादा दिख रहे हैं बिकॉज इसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन है इसमें जो मेरी कवर्ड कॉल्स की प्रॉफिटेबिलिटी है जो इक्विटी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो इसमें ग्रीन काउंट नहीं कर रहा है जबकि मेरा ये वाला जो है इसमें आपको यहाँ ग्रीन दिखेगा बिकॉज आई सेट कि मैं बहुत ज्यादा स्विंग ट्रेडिंग भी करता हूँ बहुत ज्यादा कवर्ड कॉल्स भी करता हूँ सो माई कवर्ड कॉल्स में हमेशा मेरा टारगेट होता है कि मैं जो एफ में उसमें लॉस बुक करू एंड लॉस को प्रॉफिट में इक्विटी में कन्वर्ट द हेल्प ऑफ आई डू इट इज अ रीजन बिहार माय स्टूडेंट्स आर अवेयर इट सो दैट इज व्हाई पीपल विल थिंक अरे ये तो चेंज हो गया देखा हमने पकड़ लिया दिस इज फेक सो दोबारा कहूंगा वीडियो दोबारा देखो लास्ट में मैंने लर्निंग के ऊपर फोकस करा तो पहले सीख लो दूसरे को फेक बोलने से पहले मैं जो कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ नो वन कैन स्टॉप मी इट्स जस्ट दैट यू कैन लर्न फ्रॉम मी ठीक है सो डू नॉट गेट इन टू ऑल दीज्स सो दिस इज माई वेरीफाइड पी एन एल एंड बाय द वे डेली डेली अपडेट होता रहता है सो यू कैन कीप ऑन नोइंग हाउ मच आई एम मेकिंग डेली वॉट इज द थिंग हाउ आई डू इट एंड ठीक है सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड आई होप यू हैव रियली लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज सब्सक्राइब टू माई टेलीग्राम चैनल इफ यू वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम मी अपार्ट फ्रॉम दैट प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ट्रेडिंग सीक्रेट सीटी दिस इज माई चैनल

तो दिस इज हाउ यू कैन हेल्प योर सेल्फ मी, ओके सो दैट्स इट फॉर माई साइड आई होप यू हैव रियली लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू हैव वॉच टिल द एंड आई एम श्योर यू वुड हैव टेकन समथिंग आउट ऑफ दिस पक्का कुछ ना कुछ लेकर गए होंगे सो इन फ्यूचर आई विल ट्राई कि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज आपके लिए लाने की कोशिश करूं आई विल आई एम ट्राइंग टू मेक सम ऑप्शन सेलिंग टेक्निक्स फॉर यू गाइज एज वेल सो इन फ्यूचर मे बी वैन आई गेट टाइम आई विल ट्राई टू ब्रिंग सम ऑप्शन सेलिंग टेक्निक्स एलॉन्ग विद समजी दट यू ऑल वॉन्ट Okay, and why the strategies work in option selling? That is the next video that I am trying to make. So once I get a time, I will definitely make it for you guys. Okay, so for the time being, I hope you have really liked this video, and I am sure you will make some uh, something out of it. Okay, so with this, uh, thank you very much, and have a good day and happy trading. Take care.